जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, आप सभी व्यूअर्स को हमारे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी के समस्त परिवार की ओर से नववर्ष 2022 की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जहां हम चर्चा करने जा रहे हैं कि साल का जो पहला महीना है जनवरी 2022 का, वो इनकम की दृष्टि से आप सभी व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने में चार मुख्य ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, उनकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, तो इसका प्रभाव आपकी इनकम पर किस प्रकार पड़ने वाला है, इसकी हम लोग विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिससे आप जनवरी 2022 को अपने लिए और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसमें अपने सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। इसी के साथ भक्तगणों, अब बिना वक्त गवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। चलिए भक्तगणों, चर्चा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं उनकी इनकम की स्थिति यहाँ पर जनवरी 2022 में किस प्रकार रहने वाली है। जब कभी ये चर्चा करेंगे तो कुंडली के हम लोग द्वितीय और ग्यारहवें भाव का अध्ययन करेंगे और आपके लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, दोनों के जो मालिक है वो बृहस्पति देवता है। जो 9 नंबर यहाँ पर लिखा है और यहाँ पे 12 नंबर लिखा है वो धनु और मीन राशि के भाव हैं और इनके मालिक बृहस्पति देवता इस समय पर लग्न में विराजमान है। अब लग्न में विराजमान बृहस्पति के तो जो फल है वो आपको निश्चित तौर पर अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके मस्तिष्क में बैठकर, एक तो सबसे पहले उनका दिशा बल सबसे अधिक होता है जब वो लग्न भाव में बैठते हैं, और यहां पर बैठकर वो आपको प्रेरणा देते हैं कि आप बड़ा सोचें। वो आपसे कहते हैं थिंक बिग। जब आप बड़ा सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कर्म भी बड़े होंगे और उस दिशा में प्रगति करने से आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। ऐसे लग्न में विराजमान जो बृहस्पति हैं आपको एजुकेशन की ओर प्रभावित करते हैं, आपको धार्मिक भी बनाते हैं, तो इस समय पर धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। और जहां पर हम लोग इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम में भी निश्चित तौर पर इससे फायदा आपको प्राप्त होगा, यानी कि आप यदि जो प्लान आप बना रहे हैं उस पर अमल कर पाते हैं तो बहुत अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटीज, अपने लिए वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज आप जनरेट कर सकते हैं जनवरी 2022 में। यहाँ पर एक दो बातें और ध्यान रखने वाली हैं। यहाँ पर शुक्र देवता जो कि लग्न के आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं वो भी विराजमान है, ये भी एक अच्छी स्थिति बनती है, परंतु ये जो शुक्र हैं वो यहाँ पर थोड़े कमजोर हैं। तो शुक्र को अगर मजबूत कर लेंगे तो जनवरी 2022 में आपकी इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा बढ़ गई। इस जो उपाय हैं जो आपको शुक्र से संबंधित करने की आवश्यकता है यहाँ पर, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत बताऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। कि देखिए, जो मासिक राशिफल में हम आपको प्रिडिक्शन देते हैं, जो यहाँ पर आपको बातें बताते हैं वो आप पर 60% तक लागू होती है, परंतु इसका जो बाकी का 40% है वो निर्धारित होता है कि जन्म कुंडली में आपके जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका फल क्या है, जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति क्या है, वो अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में, आपको अच्छे फल दे रहे हैं या फिर बुरे फल दे रहे हैं। तो इसका अध्ययन कोई योग्य विद्वान ज्योतिषी कर सकता है, और ये 40% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मादशा और अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इन चीजों की हम लोग चर्चा भी करते हैं। तो आवश्यक है कि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन इस नए साल के अवसर पर जरूर कराएं, ताकि आप अपने खराब ग्रहों के लिए उपाय कर सकें और जीवन में कभी भी आपके अड़चने ना हैं,
प्रगति के मार्ग में बाधाएं ना आए। तो इसके लिए आप हमारे सिद्ध शनि मंदिर के गुरु रजनीश ऋषि जी, गुरु मां रुक्मणी जी या मुझसे यानी कि स्वामी राजऋषि जी से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करके आपको कुंडली प्रदान करते हैं और साथ ही साथ आपको समझाते हैं कि कौन से रत्न धारण करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि कौन से सरल से उपाय आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं, कौन सी पूजा आपको करनी चाहिए जिससे आप अपने खराब ग्रहों को शांत करते हैं, और साथ ही साथ आपकी तरफ से हम लोग भी आपके खराब ग्रहों को शांत करने के लिए पूजा करते हैं। तो ये सभी बेनिफिट प्राप्त करने के लिए, ये सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आप हमारे जो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके हमसे ज्योतिष परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग फाइनेंशियल तौर पर कमजोर हैं वो हमारे सिद्ध शनि मंदिर से सर्व कार्य सिद्धि लॉकेट या सर्व कार्य सिद्धि अंगूठी को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस अंगूठी और लॉकेट को हम लोग बहुत ही बजट फ्रेंडली कीमतों पर आपको प्रदान कर रहे हैं ताकि आपकी पॉकेट पर भी ये भारी ना पड़े और आप ज्योतिष के उपाय अपनाकर अपने जीवन में प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएं। तो यदि जो भी हमारे भक्तगण हैं वो फाइनेंशियल तौर पर कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं, अपने हाथ को टाइट महसूस करते हैं, वो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके हमसे घर बैठे ये सर्व कार्य सिद्धि लॉकेट और अंगूठी को मंगवा सकते हैं। बचपन से लेके आज तक मुझे ठोकर ही ठोकर मिली है। मैंने बहुत से लोगों के पास हाथ दिखाया, सब कुछ किया, मुझे कोई सलूशन नहीं मिला। बहुत से ऐसे मैंने नंबर लगाया, कोई सलूशन नहीं मिला और पूरे शरीर में बीमारी, बहुत से लड़ाई झगड़े, बदनामी, पता नहीं कैसे कैसे लोग मेरे पीछे पड़े थे। मैं तो बहुत परेशान थी, कुछ कह नहीं सकती अपने के बारे में क्या कह, कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा मैंने माँ को देखा, बेटे, तो मैंने कहा ये मतलब दुनिया की जैसे ये भी ऐसी है, फ्रॉड है मतलब। लेकिन नहीं, वो मेरी सोच गलत थी। आज मैं आपको बहुत अच्छा समझती हूँ। जो मेरी माँ है मतलब आप उससे भी बढ़ते हो मेरे लिए, जिसने मेरी पूरी जिंदगी पलट बदल दी। बच्चे होने की कोई उम्मीद नहीं थी, अब वो भी सब कुछ ठीक है, मतलब पूरा परिवार जो भी है ना, एक फैमिली में जो होना चाहिए वो सब कुछ माँ है। बस आप जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ऐसे प्यार बरसाते रहना, और आप बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। चर्चा होगी उस उपाय की जिससे कुंभ राशि के जातक जनवरी 2022 को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं, और ये उपाय शुक्र देवता से संबंधित है। क्यों? क्योंकि शुक्र देवता ही सबसे कमजोर ग्रह है, भाग्य के स्वामी है आप लोगों के लिए जनवरी 2022 में। तो उनका उनका आशीर्वाद प्राप्त करना हर प्रकार से लिए आपकी हर प्रकार से आपके लिए अनिवार्य है। तो ऐसे शुक्र को ठीक करने के लिए आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर भी कि वो कैसे 11वें भाव में ही लगातार गोचर कर रहे हैं, पहले सूर्य के साथ, बाद में मंगल के साथ, और वक्री अवस्था उनकी बनी हुई है। तो ऐसे सूर्य देवता, ऐसे शुक्र देवता को मजबूत करने के लिए दो उपायों की सलाह दूंगा। पहला, शुक्र देवता के बीज मंत्र का उच्चारण, ओम द्राम ग्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। ये शुक्र देवता का बीज मंत्र है। शुक्र देवता की फोटो आप हमारे शनि मंदिर से मुफ्त में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ऐप एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमें info@shanidev.us पर अगर आप मेल लिख कर भेजेंगे तो भी आपको शुक्र देवता की जो पूजा विधि है वो मुफ्त में हमसे प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे जो शुक्र देवता हैं उनको आप प्रसन्न करने का प्रयास करें, उनके बीज मंत्रों का उच्चारण उनकी फोटो के सामने करें। जब मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो 108 बार आप मंत्र उच्चारण करेंगे, यानी कि एक माला जप करेंगे, और माला के साथ ही जप करेंगे, बिना माला के जप ना करें। ये मेरी आपको सलाह होगी। तो 108 बार शुक्र देवता के लिए बीज मंत्र का उच्चारण, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सफेद गाय को शुक्रवार के दिन अपने हाथ से आप रोटी खिलाएं और उबले हुए आलू खिलाएं, इससे भी शुक्र देवता का जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होता है। तो शुक्र देवता को प्रसन्न करने के ये दो बहुत सरल से उपाय जो हैं वो हमारे कुंभ राशि के जातक जनवरी 2022 में कर सकते हैं, जिनसे भाग्य का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सकता है। चलिए भक्तों,
आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं पर विराम देंगे। आशा करता हूं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आप हमारे साथ इसी प्रकार हर महीने हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। ये मासिक राशिफल का जो प्रोग्राम है हर महीने पब्लिश होता है हमारे YouTube चैनल पर, तो मेरी सलाह होगी कि इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें।